प्रधानमंत्री आज दोपहर वाराणसी को देंगे सौगात, दो दीपावली पर भी होंगे शामिल। सीरम ने वैक्सीन से समस्या के आरोपी को किया खारिज, वॉलंटियर को 100 करोड़ का दावा ठोकने की चेतावनी दी। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। भारत में ओटीटी प्लेयर्स का दबदबा। वैज्ञानिकों ने डाटा संग्रह करने वाला दुनिया का सबसे छोटा डिवाइस बनाया। कैप्टन अमरिंदर ने मनोहर लाल से पूछा सवाल, सीधे मेरे मोबाइल पर क्यों नहीं किया फोन। कोरोना व अपेंडिक्स के दुर्लभ कैंसर से पीड़ित बच्चे को मिली नई जिंदगी। भाजपा नेता और राजस्थान के राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन। ज्वालामुखी फटने से पूर्व इंडोनेशिया में हादसा, उड़ान रद्द, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए 2800 लोग। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की टूटी हड्डी, कुत्ते के साथ खेलते वक्त हादसे का शिकार। तीसरी तिमाही से ही जीडीपी के सकारात्मक होने की उम्मीद, अन्य देशों के मुकाबले जुलाई सितंबर में भारतीय जीडीपी में कम गिरावट। एफपीआई ने नवंबर में बनाया निवेश का रिकॉर्ड, 62,951 करोड़ रुपए के करीब आया एफडीआई। पोस्ट ऑफिस में है सेविंग अकाउंट, तो अब मिनिमम बैलेंस रखना होगा जरूरी, वरना देना पड़ेगा शुल्क। लकड़ी के धुएं से डैमेज हो रहे हैं भारतीयों के फेफड़े, अमेरिका में रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ने की रिसर्च। लालू यादव की बड़ी परेशानी, मोबाइल प्रकरण में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। कोविड-19 30 दिसंबर तक तमिलनाडु में जारी रहेगा रोक। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में उतरी पार्टियों के लिए कम नहीं है चुनौती, सभी दलों के लिए बना लिटमस टेस्ट। आंध्र प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पर मजदूर ने हमला करने का किया प्रयास, बाल बाल बचे मंत्री। बिग बॉस 14 से पवित्र पूनिया का सफर खत्म, जनता ने सबसे कम वोट देकर किया बाहर। जीएसटी रिटर्न के डिफॉल्टर से रिटर्न फाइल कराने की कोशिश हुई तेज, जीएसटी संग्रह बढ़ाने की कोशिश। आठवीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई, सरकार ने की फ्री टैबलेट देने की घोषणा। सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर पदों के लिए आवेदन कल से होंगे शुरू। एक बार फिर होगा विद्यालयों का ऑडिट, संशय में शिक्षक। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को पीएफ एडवांस व बैलेंस चेक की सुविधा देने के लिए लॉन्च की नई ऑनलाइन सेवा। 1 दिसंबर को ब्रह्मांड में होने वाली बेहद खास घटना, आपको भी बनना है गवाह, तो रहना तैयार।